छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के उद्योगों को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और इस फैसले के बाद विदेशों में सामानों की सप्लाई बेहतर होगी। तो आखिर क्या है सरकार का फैसला और इसे लेकर क्यों सियासत हो रही है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा राज्य, जहां उद्योग और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही यहां के प्रोडक्ट की विदेशों में भी बहुत डिमांड है। प्रदेश के कई प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस दौरान उद्योगपतियों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को लेकर बीते दिन उद्योगपति मंडल ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से मुलाकात की, लिहाजा सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। उद्योगों को लेकर साय सरकार लेगी बड़ा फैसला। कोलकाता के IIFT के साथ MOU करने की तैयारी। MOU से प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा लाभ। विदेशी बाजारों में प्रोडक्ट की डिमांड की जानकारी मिलेगी। किस देश में कौन सा प्रोडक्ट बैन है ये भी रहेगा मालूम। विदेशी बाजारों में छत्तीसगढ़ को स्थापित करने की कोशिश। इस MOU के बाद छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को आसानी से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। MOU के साथ ही छत्तीसगढ़ में पहली बार IIFT का दफ्तर भी खुलेगा। जो छत्तीसगढ़ में प्रोडक्ट तैयार होता है, जो निर्माता हैं, अलग अलग किस्म के उत्पादन करते हैं, उनको विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास जारी है। उसका अभी हम लोगों द्वारा IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के माध्यम से अभी हम लोग विदेशों पर भी हमारा उद्योगपति अपना एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिए भी MOU करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोगों ने समय लिया है और मुख्यमंत्री जी का जैसे समय मिलेगा MOU होगा, फिर वो कारोबार उनका शुरू प्रारंभ हो जाएगा। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। PCC चीफ दीपक बैस MOU को महज दिखावा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों का भरोसा इस सरकार से उठ गया। जो ये MOU कर रही है वो दिखावा है। बयान भी आया था उद्योग जगत के लोगों का कि हम इतनी महंगी सरकार से इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद पा रहे, तो हम निजी कंपनी से उद्योग बिजली खरीदेंगे। मतलब सोच लीजिए कि सरकार छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को मदद नहीं कर पा रही है और बाहर से MOU करना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सरकार के लिए कोरी कल्पना है। छत्तीसगढ़ के कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड विदेशी बाजारों में सबसे ज्यादा है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ प्रोडक्ट विदेशी बाजारों में बैन होते हैं, उसके बाद भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने सरकार MOU करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। रायपुर से बंसल न्यूज़ के लिए शिखर देवांगन की रिपोर्ट।